करवा चौथ का त्योहार आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी इस दिन निर्जला उपवास रखती है। रात को चांद का दीदार करने के बाद ही कुछ ग्रहण करती है। व्रत में दिन भर भूखी प्यासी रहने वाली महिलाओं को शाम के वक्त चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ का व्रत हम लोग अपने हस्बैंड्स के लिए रखते हैं, जो उनकी लंबी उम्र के लिए होता है। शाम को हम लोग पूजा पाठ करते हैं, चांद को देख के ही व्रत खोला जाता है। करवा चौथ के मौके को खास बनाने के लिए बाजारों में भी खास तैयारी है। बाजार की रौनक तो देखते ही बन रही है। महिलाएं आखिरी वक्त तक करवा चौथ की खरीदारी कर रही हैं। पूरा बाजार रोशनी से गुलजार है। जगह जगह व्रत के सामान मिल रहे हैं और उन दुकानों में महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। साड़ियों की दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ है। दुकानों में करवा चौथ को देखते हुए कई डिजाइन्स की साड़ियाँ मौजूद है। महिलाएं अपनी पसंद की साड़ियाँ और लहंगे खरीद रही हैं। करवा चौथ के मौके को देखते हुए दुकानदारों ने भी इस बार खास तैयारी की है। तो हमारी दुकान में भी उन लोगों के लिए सूट है, साड़ियाँ हैं, कुर्तियाँ हैं। हम लोग स्पेशल बनाते हैं करवा चौथ के लिए, अलग अलग तरीके के डिजाइन में, जैसे अनारकली है, लहंगा है, तो इस तरीके के डिजाइन हम लोग बनाते हैं खास इस त्योहार के लिए। और उसकी बहुत पहले से, एक 15-20 दिन पहले से लोग खूब ज्यादा जमकर शॉपिंग करते हैं। ज्यादातर महिलाएं खरीदारी के लिए अपने पति के साथ आई हैं और पति भी दिल खोलकर अपनी पत्नियों के लिए मनपसंद गिफ्ट खरीद रहे हैं। हस्बैंड लोगों का ही फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ गिफ्ट करें, कुछ कर सकें, जिस तरह से भी उनको खुशी दे सकें। तो सोचा उनको कुछ शॉपिंग करा दें, और हम तो चाहेंगे कि सभी लोग, जितने भी हस्बैंड्स हैं, अपने वाइफ के लिए कुछ करें और ये जो व्रत है इसको बड़े खुशी पूर्वक सेलिब्रेट करें। करवा चौथ और मेहंदी का अटूट रिश्ता है। माना जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति का प्यार भी उतना ही गहरा होता है। ऐसे में इस मौके पर बाजार में मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। मेहंदी के रंग के साथ साथ महिलाओं के चेहरे की खुशी भी देखते ही बन रही है। मेहंदी लगवाई है, देखी रहे आपने, इन्होंने लगवाई है बहुत अच्छी मेहंदी। बाजारों में रौनक बहुत अच्छी है, हर साल लगाते हैं, इस बार भी लगवाई है। करवा चौथ की तैयारी में सबसे ज्यादा उत्साह उन महिलाओं में दिख रहा है जो पहली बार करवा चौथ मना रही है। नई नई शादी और पहला करवा चौथ, ऐसे में इस करवा चौथ की तैयारी भी खास है। साड़ी की खरीदारी पूरी करने के बाद महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं और आखिर में ब्यूटी पार्लर में महिलाएं सज संवर कर करवा चौथ के लिए तैयार हो रही हैं। ये मेरा पहला करवा चौथ है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और सब कुछ नया है, एकदम से चेंज है, और नए नए कपड़े और भरों भरे हाथों में मेहंदी और अच्छे से सजना और बहुत कुछ, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ हर एक चीज को लेकर के। वो जो सरगी होती है जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, वो सब चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ करवा चौथ का व्रत रख रही है, मेरी लास्ट ईयर वेडिंग हुई है, और सरप्राइज गिफ्ट भी होता है जो हम लोग देंगे, और दिन भर व्रत रहेंगी और शाम को व्रत तोड़वाया जाएगा। इस बार का करवा चौथ का व्रत बेहद खास है। 70 साल बाद करवा चौथ पर इस बार शुभ संयोग बन रहा है। इस बार रोहिणी नक्षत्र के साथ मंगल का योग होना करवा चौथ को अधिक मंगलकारी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।